बागली विधानसभा के अंतर्गत नर्मदा सिंचाई योजना का मुद्दा अब छाने लगा है। लगातार गांव में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए नेताओं का गांव में प्रवेश प्रतिबंध किया जा रहा है। बागली विधानसभा के लगभग 20 से अधिक गांव में अभी तक किसानों द्वारा मशाल रैली निकालकर नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ राजनीतिक दल के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि अब राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गया है। आगामी दिनों में खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। बागली विधानसभा में भी मतदान होना है, ऐसे में बागली के 20 से अधिक गांवों में नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे कि सभी राजनीतिक दल के नेता अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विगत दिनों कांग्रेस एवं भाजपा के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसी के चलते शनिवार की शाम को बागली के ग्राम भमोरी में भी किसानों द्वारा मशाल रैली निकालकर नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ अपना विरोध दर्ज किया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज हम जो ग्राम भमोरी के नवयुवक हैं, आज हम सभी ने मशाल रैली के माध्यम से सभी राजनेताओं को ये बताने की कोशिश की है कि जब तक हमारे क्षेत्र में नर्मदा माता का जल हमारे खेतों तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप हमारे गांव में आ नहीं सकते। ये हमारी मांग है कि आप सभी जानते हैं कि किसान किसान के लिए क्या ज़रूरी है, केवल पानी। पानी उसको मिलेगा तो भरपूर खेती कर पाएगा। किसानी आज पानी पर टिकी हुई है और आप सभी जानते हैं कि मालवा का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। सबसे पहले आप राजगढ़ ले गए, पर सबसे पहले आप मालवा जो पास में वहाँ ले के नहीं आए, और हम क्या ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे। आप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम नर्मदा का जल जो हट पिपलिया माइक्रो उद्यवन सिंचाई योजना के माध्यम से देंगे, परंतु अभी तक उसकी कोई प्रशासनिक स्वीकृति आपने प्रदान नहीं की। हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव के पहले आप प्रशासनिक मंजूरी दें ताकि हम वोट डालने जाएँ। हम चाहते हैं कि हम वोट डालें, पर हम जब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक आप हमें ये नर्मदा माता का जो हाटीपुलिया माइक्रो उद्यवन सिंचाई परियोजना का जब तक आप प्रशासनिक मंजूरी ना देंगे। नेताओं का भी प्रवेश प्रतिबंधित किया है। नेताओं को तब तक आप हम या गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे जब तक आप प्रशासनिक मंजूरी आप नहीं दिलवाएंगे। उपचुनाव में क्या रणनीति है? सभी पार्टियों का बहिष्कार किया जा रहा है। पहली बात तो राजनेताओं का गाँव में प्रवेश निषेध है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।